हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, आर्थिक जगत और खेल जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मौलिक कर्तव्यों का पालन हो नागरिकों की पहली प्राथमिकता, संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री का बयान, समापन सत्र को राष्ट्रपति ने किया संबोधित। गुजरात के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, समान नागरिक संहिता लागू करने समेत कई वादे, राज्य में पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, ओशन सेट समेत 9 सैटेलाइट को एक साथ किया लॉन्च, भूटान के लिए भी अंतरिक्ष में एक खास सैटेलाइट। मुंबई आतंकी हमलों की 14वीं बरसी, हमले में शहीद हुए लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन। और नेपाल में सत्ताधारी गठबंधन की चुनाव में बढ़त, अब तक 150 सीटों के नतीजों का ऐलान, नेपाली कांग्रेस गठबंधन के खाते में 77 सीटें। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे में जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, उसे और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो तेजी से विकास और आर्थिक विकास हासिल कर रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि मौलिक अधिकार वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नागरिकों को अत्यंत समर्पण और सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था को बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ई अदालत परियोजना के तहत नई पहल भी शुरू की, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालतों के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करती है। शुरू की पहलों में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAS वेबसाइट शामिल है। हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा
कि न्याय हासिल करने से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संस्थागत सुधारों के साथ तकनीक का दायरा बढ़ाना होगा। द सुप्रीम कोर्ट नाउ फंक्शंस इन अ हाइब्रिड मोड विद बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्ट्स व्हिच एनेबल लॉयर्स एंड पार्टीज इन पर्सन टू अपीयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Though the Supreme Court is located on Tilak Marg, the Supreme Court is a Supreme Court for the entire nation. As the Chief Justice, I am attempting to adopt technology-based services in the listing of cases and court hearings so that institutional flaws such as delays in listing and hearing can be removed from our vocabularies. The E-Committee of the Supreme Court of India uses technology to make the justice delivery system more accessible and citizen-centric. The National Judicial Data Grid is a repository of 77 lakh judgments of the high courts that are available to every citizen free of cost. संविधान दिवस समारोह के समापन सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इसकी प्रस्तावना हमारे संविधान की बुनियाद का पत्थर है। उन्होंने कहा कि अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से जन जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। संविधान दिवस समारोह के समापन पर उन्होंने कहा कि सबके लिए कम खर्च में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। स्पीकिंग ऑफ वुमेन, आई वुड लाइक टू नोट दैट देयर पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ सिंस इंडिपेंडेंस हैज शोन एन अपवर्ड ट्रेंड, बट देयर इज नो रीजन टू बी कंटेंट। I understand the judiciary to strive to enhance gender balance. Ladies and gentlemen, the cornerstone of the Constitution is summed up in its preamble. Its singular focus is on how to increase social good. Its entire edifice rests on justice, liberty, equality, and fraternity. I would like to note here that these four stellar values enshrined in our constitution have been part of our own timeless heritage. वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लीगल इकोसिस्टम में लैंगिक समानता सबसे जरूरी क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों के बुनियादी ढांचे पर हमारा ध्यान केंद्रित है। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर 70,000 के लगभग पेंडिंग केसेस है, हाई कोर्ट्स में लगभग 70 लाख आसपास केसेस पेंडिंग है और बाकी तो नीचे के अदालतों में है। तो जब तक हम अपने जो जिले स्तर के नीचे के अदालतों का हालात को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम जो मूल समस्याएं जो 5 करोड़ की और हम जा रहे हैं पेंडेंसी, उसको किस तरह से बांध के रखना ही नहीं, उसको कम करने का जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए लोअर जुडिशरी को हम एट द सेंटर ऑफ आवर अटेंशन, बीच में केंद्रित करके हम आगे चलेंगे। मुझे लगता है कि जो अच्छे काम हाई कोर्ट्स में किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो लीडरशिप हमने देखा है, वो हमको नीचे में देखना बहुत जरूरी है। भारत आजादी के बाद 75 सालों में वैश्विक क्षितिज पर चमकते सितारे की तरह चमक रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान दिवस 2022 के मौके पर भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र, क्या विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने संवैधानिक जनादेश के प्रति ईमानदार रहे, इस विषय पर व्याख्यान में ये बातें कही। ये कार्यक्रम दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के CD देशमुख ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बेस्ट विशेस एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू and all the countrymen on the Constitution Day. It was on this day in 1949 when independent India laid the foundation of a new future for itself. Many in the world thought India would not last long. They wrote about it, reflected in public domain, and we have traversed for so long are in 75th year of our independence as a shining star on the global horizon. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है,
सुनहरे भविष्य का आधार है और 130 करोड़ नागरिकों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी करने का माध्यम है। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान को नमन करते हुए कहा कि संविधान आदर्श मूल्यों को प्रोत्साहित कर न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और समावेशी बनाने की सुंदर कल्पना की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान देश के नागरिकों के लिए जीवन दर्शन है। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। सत्ता बरकरार रहने पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद रहे। बीजेपी ने गुजरात के लिए जारी संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं, जिनमें 5 वर्षों में युवाओं को 20 लाख रोजगार, IIT की तर्ज पर 4 गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना शामिल है। घोषणा पत्र में पार्टी ने लड़कियों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी है। वह हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को UG से PG तक देने की व्यवस्था की जाए। उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12 क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाए और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ और अन्य खबरें। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिम्मतनगर में रोड शो किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के सुभाष चौक, गुरुकुल इलाके में रोड शो कर लोगों से वोट की अपील की। रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने गीर सोमनाथ में चुनावी रैली कर विपक्ष पर निशाना साधा। और गुजरात विधानसभा चुनाव पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता सूरज मोहन झा का, जो इस वक्त सूरत गुजरात में मौजूद हैं। सूरज, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, इस वक्त आप सूरत में हैं, क्या है वहां पर लोगों के मुद्दे और क्या है लोगों की उम्मीदें? बिल्कुल, जनता की उम्मीदें तो लोकतंत्र के इस महापर्व से दीक्षा बहुत ज्यादा है और कई तरह के मुद्दे हैं। जैसे हम सूरत में घूम रहे हैं, सूरत को एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर कह सकते हैं हम गुजरात का, जिसमें भारत के हर हिस्से से लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें उत्तर भारतीय भी बड़ी संख्या में हैं, मराठी हैं, तमाम तरह के लोग हैं और उनके अलग अलग मांगे हैं। वैसे चूंकि यहाँ की जो स्थानीय सांसद हैं दर्शनाबेन जाधव, वो रेल राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ काफ़ी ट्रेनें यहाँ इस बाबत दी गई हैं। इसके आसपास के जो इलाके हैं, आज हम जब सूरत आ रहे थे तो वो आदिवासी बाहुल्य इलाके थे और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में उनकी अपनी मांगे हैं, जैसे केंद्र की योजनाओं से लेकर तमाम रोजगार सृजन को लेकर योजनाएँ हैं, तो उसको लेकर दोनों पार्टियाँ, जो मुख्य पार्टियाँ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हुए हैं कि आदिवासियों का उत्थान होगा। हमने देखा था चुनाव की घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की यहाँ शुरुआत की थी। कांग्रेस ने भी आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ वायदे अपने वचन पत्र में किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में वायदे किए हैं। यहाँ पर एक जो हमें चीज़ देखने को मिली, जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हम में घूम रहे थे तो वहाँ कई कैंडिडेटों, जो विधायक सिटिंग थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके टिकट काटे गए हैं तो कुछ बागी भी खड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ की लड़ाई को काफ़ी दिलचस्प बनाया हुआ है। तो
महंगाई, बेरोजगारी, ये एक मुद्दे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें 20 लाख रोजगार नौकरी देने का वायदा, 1 लाख महिलाओं को नौकरी देने का वायदा किया गया है। जब हम गुजरात में लगभग घूम रहे थे, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में, तो हमने देखा था बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा था। युवाओं की शिकायत थी कि जो वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। तो उस बाबत अगर हम देखें, आज संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसमें 20 लाख नौकरियों का वायदा है। इससे पहले कांग्रेस ने दीक्षा 10 लाख नौकरियों का वायदा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 20 लाख का वायदा किया है, 1 लाख महिलाओं को रोजगार की बात की गई है। तो अब देखना होगा, क्योंकि ये मुद्दे काफी बड़े थे। किसानों के लिए बात की गई है, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, क्योंकि किसानों के अपने मुद्दे थे। मछुआरे जो एक को लेकर भी इन्होंने 2 ब्लू कॉरिडोर बनाने की बात की है, साथ में उनको लेकर योजनाओं की बात की है, क्योंकि ये सभी ऐसे हल्के थे और समुदायों में काफी मांगे थी। दीक्षा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, और हमें उम्मीद है कि लगातार आप डायमंड सिटी में हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और मुद्दे भी पता लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर जिले में पाकिस्तान की ओर से घुसे एक ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रशासन ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी की एक संपत्ति को सील किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद निर्वाचन आयोग के पुनरीक्षण अभियान से मतदाताओं की संख्या में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मणिपुर दौरे पर हैं। इम्फाल में उन्होंने व्यापारिक समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। केरल के कम से कम 240 सरकारी स्कूलों में जल्द ही मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें राज्य के मौसम में होने वाले दैनिक बदलाव दर्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अपनी जान पर खतरे के बावजूद वो उनकी पार्टी द्वारा पूर्व निर्धारित विशाल रैली को संबोधित करने रावलपिंडी जाने के लिए अडिग हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय को आज संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि दी गई। कई गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश, वंशज और देविका घोरपड़े ने स्पेन में ला अनुसिया में चल रही आईबीए युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। आपके अधिकार कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या क्या प्रावधान किए हैं? हमारे संविधान में अनुच्छेद 39A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें राज्य के ऊपर ये एक ड्यूटी की गई कि जो विधिक तंत्र है देश का वो इस तरीके से काम करे कि सब लोगों को न्याय सुलभ हो। लीगल एडवाइस या जो आपको कोई क्लैरिटी नहीं है किसी विषय पे, वो सब सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, इसके बारे में लोग कम जानते हैं। आप बेसिक लेवल पर कानून का ज्ञान दें जी, और ये स्कूलों से ही शुरू किया जाए। संसद टीवी आज से शुरू कर रहा है आपके हक, आपके हुकूक और आपके अधिकार से जुड़ा कार्यक्रम आपका कानून। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मोरटक्का गांव से की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार किया। रोड शो के साथ उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन और जेल अधीक्षक अजीत कुमार की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। अजीत कुमार को इस महीने की शुरुआत में निलंबित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव में इसका जवाब दे देगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा अगरतला में शहीद भगत सिंह यूथ हॉस्टल में भाजपा त्रिपुरा समेत स्पोर्ट्स सेल के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली की एक अदालत ने दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भारत के G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के पहले 40 से अधिक मिशन प्रमुखों ने अंडमान के दौरे पर गए। G20 के भारत समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंखला और अमिताभ कांत दौरे के दौरान प्रतिनिधियों के साथ हैं। G20 के मिशन प्रमुखों ने आज अंडमान में योगाभ्यास किया, साथ ही समुद्र के किनारे की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। प्रतिनिधियों ने यहाँ सेल्युलर जेल का भी दौरा किया, जहाँ लेखक और विचारक वीर सावरकर को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी ओशन सेट को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर दिया है। पीएसएलवी C-54 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी लक्षित कक्षा में स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस सफल परीक्षण पर बधाई दी है। पीएसएलवी C-54 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ ही 8 अन्य उपग्रह भी अपने साथ लेकर गया है। पीएसएलवी C-54 के प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद इच्छित कक्षा में पहुंचने पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या ओशन सेट सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया और उसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया। Now, as already announced, this mission is still not completed. We are waiting for the change of orbit of the upper stage along with the remaining 8 satellites. We have the India Bhutan satellite on board. And the Anand satellite from Pixel is there, Thibault 1 and 2 are there, and also we have Astrocast 4 satellites on board of PS4 stage currently. So it will go around the Earth. Now the upper stage has small engines. These engines will fire to bring the orbit from the current altitude to a lower altitude of 511 kilometers circular. That again will be a sun synchronous polar orbit. And this happens through firing at 2 diametrically opposite locations in reducing the velocity of the stage to achieve this lower orbit. और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने नेपाल के संसदीय चुनाव में अपनी बढ़त बनाए रखी है। अभी तक प्रत्यक्ष मतदान चुनाव प्रणाली के तहत 150 सीट के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 77 सीट पर जीत हासिल की है। देश की 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि शेष 110 सीट का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिए होता है। सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होती है। मुंबई आतंकी हमले में अपने प्राण गंवाने वालों को देश आज याद कर रहा है। इस मौके पर शहीदों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान
और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस मौके पर मुंबई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जिन्होंने 14 साल पहले 26 नवंबर को शहर पर हमला करने वाले आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। नवंबर 2008 में हुए इन हमलों में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दस पाकिस्तानी आतंकवादी 26 नवंबर 2008 को समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और उनके हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे। कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। यह हमला 26 नवंबर को शुरू हुआ था और 29 नवंबर तक चला था। अभिनेता विक्रम गोखले का पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 77 साल के थे और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद इस महीने की शुरुआत में उन्हें दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों में अभिनय करने वाले विक्रम गोखले कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। बॉलीवुड फिल्मों के साथ उन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है। हाल ही में उनकी मराठी फिल्म गोदावरी रिलीज हुई थी। फ्रांस का पेरिस उद्यान इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ विशालकाय मकड़ियां, सेंटीपीड और खटमल के जरिए जैव विविधता को दर्शाया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।